गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रिंसेस गेमर। तो भाई लोग आज का हमारा वीडियो है पुशिंग के ऊपर, तो हम लाइव पुशिंग करेंगे कोल्ट से 3800 तक, ठीक है। तो हम खेलने वाले हैं सोलो शोडाउन में, तो देख लीजिए मैप है सर्वाइव दी अरेना फास्ट और फेमिन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 3800 तक आज हम पुश करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 3800 आज हो जाए। तो 8 प्लेयर फाउंड हो चुके हैं, 10 प्लेयर फाउंड होने का देरी है। तो हम एनर्जी क्यूब पहले ले लेंगे सामने वाला नज़दीक। तो हमारे सामने दो एनर्जी क्यूब हैं, उसे हम पहले ले लेते हैं और थोड़ा हाइड होके पुशिंग करेंगे, क्योंकि पुशिंग में सबसे अच्छा ट्रिक है हाइड होके खेलना, ठीक है। तो आप लोग भी पुशिंग करना चाहते हैं ईजिली तो आप लोग कर सकते हैं हाइड होके। हमारे सामने भी एक कोल्ट है, तो हम चेक कर लेते हैं ग्रासेस में कुछ तो नहीं है, तो ठीक है। इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 7 बंदे अभी मर चुके हैं। हमारा हम जब निकलेंगे उस समय निकलेंगे जब हमारा माइनस होने का चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो एक और बंदे कोई मर जाए तो हमारा माइनस होने का चांसेस ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम, तब तक हमारे सामने एक आ रहा है, उसे हम थोड़ा दे देते हैं डैमेज अच्छा खासा। दिए तो नहीं है, एक भी शॉट्स नहीं लगा है उसका, उसे थोड़ा उससे हम बचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसे थोड़ा अच्छा खासा डैमेज मिल चुका है। इधर हम थोड़ा चेक करके आगे बढ़ते हैं और हम निकल लेते हैं वहाँ से, क्योंकि वो उसका शॉट समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब देख सकते हैं आप लोग बोलेंगे ये तो नोब खेल रहा है नोब जैसा, तो थोड़ा बच के ही खेलना अच्छा है गाइस माइनस होने से, तो थोड़ा बच के ही खेलें। इस बंदे से थोड़ा टीम अप करके हम इसे तो मार दिए, तो हमारा अभी 5 बंदे अलाइव हैं, तो अब माइनस होने के चांसेस नहीं है। हमारे पास 2 एनर्जी क्यूब है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, इधर एक सैली है, सैली को अच्छा खासा डैमेज पड़ गया है। इधर दो कोई का फाइटिंग चल रही थी जिसका फ़ायदा हम उठा लिए हैं। अरे यार क्या हम कर पाएंगे, नहीं मार दी। चलिए #2 तो आए हैं +6 ट्रॉफी के साथ, तो नेक्स्ट गेम कर लेते जब तक हमारा 3800 नहीं होता है। तो हमें टोकन डबलर से बोनस भी मिल चुका है, तो हमें 5 ट्रॉफी और चाहिए, ठीक है। तो आप कोल्ड से थोड़ा रेंज में ज़्यादा रेंज में रहें तो वही ठीक है, क्योंकि उससे हमें सेफ्टी मिलते रहती है। तो देखते हैं हम, ये मैप में सैली और बुल ज़्यादा चलते हैं अब देख सकते हैं, क्योंकि ग्रासेस बहुत ज़्यादा है इस मैप में सेंटर में, तो लास्ट में सेंटर में ही सब बंदे घुसे रहते हैं सैली और बुल लेके ज़्यादा पावर क्यूब के साथ। तो हम इसे थोड़ा डैमेज देते हैं ताकि ये भाग जाए। अरे ये तो हमें ही डैमेज दे दिया, कोई बात नहीं, इससे हम डैमेज इसे हम और ज़्यादा डैमेज देंगे ताकि हमें एबिलिटी आ जाए। एबिलिटी तो हमें मिल गई है, थोड़ा सा और चाहिए बस एबिलिटी के लिए। ये यहाँ ग्रासेस में छिप गया है, ठीक है देख सकते हैं। हमारा गेम तो अभी थोड़ा लैग कर रहा है शायद, इसे हम थोड़ा और डैमेज देंगे ताकि ये यहाँ से निकल ले और हमारे लिए अच्छा भी रहेगा। यहाँ एक सैली है 8 पावर क्यूब्स के साथ, जिसे हम थोड़ा डैमेज देने का कोशिश करेंगे और थोड़ा सेफ्टी में भी खेलेंगे। हमारा तो एनर्जी वैसे ही वेस्ट हो गया एबिलिटी पर, ये फ्रैंक को हम देते हैं, रहते हैं अभी शॉट्स, ये हमें एक 2 शॉट्स में मार सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा बच के शॉट्स दें दूर से,
दूर से कोर्ट बहुत ज़्यादा ओपी हो जाता है, आप यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी तो 2 इंस्पेक्टर है अभी, तो हम अभी यहाँ ग्रासेस में चेक करते रहेंगे। हमें 5 और ट्रॉफी चाहिए, उसके बाद तो हमारा अच्छा खासा पुशिंग हो जाएगा। हम थोड़ा इससे टीम अप करने की कोशिश करेंगे, आप टीम अप वाला बंदा से बचे। ठीक है, तो हम यहाँ क्लियर कर लेंगे ग्रासेस को। ग्रासेस क्लियर हो जाएंगे तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि यहाँ क्लियर हो गया है। तो यहाँ सैली 10 पावर क्यूब्स के साथ, एनर्जी क्यूब्स के साथ ये यहीं है। अरे #3, तो हम देखते हैं हमें 5 ट्रॉफी मिलते हैं, नहीं 4 ट्रॉफी, 1 ट्रॉफी से हम चूक चुके हैं, तो हमें 1 ट्रॉफी और के लेना ही होगा बिना माइनस किए। तो हम खेल रहे हैं अभी, बंदे एक बार फाउंड हो जाएं। ठीक है गाइज, तो आप थोड़ा सेफ्टी के साथ कोल्ट के साथ बहुत अच्छा से पुशिंग कर सकते हैं। ठीक है, सभी मैप में कोल्ट नहीं चलता है, पर जिसमें चलता है बहुत अच्छा से चलता है, आप यूज करेंगे तो। कोल्ट मेरा फेवरेट ब्रॉलर है, मैं 3800 के बाद जीनी से पुशिंग करूँगा, क्योंकि वो भी अच्छा ब्रॉलर है। इसे थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि ये अपना एबिलिटी यूज करके हमें मार देगा, बहुत बार भी मारा भी है। गाइज आपको मेरा आवाज़ में थोड़ा चेंजिंग लग सकता है, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसीलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा जल्द ही। तो देखें उस तरह एबिलिटी यूज करके ये बचने में भी काम आ जाता है और भागने में भी। यहाँ एक है एल प्रीमो जो उसे मार देगा इजीली, टीम अप करके रखा था शायद इस, ये एल प्रीमो भी मारा जाएगा अभी, ये टीम अप कर रहा है। इसे टीम अप करके हम थोड़ा बंदे ख़त्म कर लेते हैं, जैसे एल प्रीमो को लाइफ कम हो जाए, उसके बाद थोड़ा ग्रासेस में चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कब बंदे निकल के हमें मार दे नहीं पता। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं हमें पावर क्यूब्स मिल चुके हैं, यहाँ शायद ये इसने एबिलिटी यूज किए थे। हाँ, हमें एक और ट्रॉफी चाहिए, अब हमारा माइनस होने का चांसेस नहीं है, तो हम थोड़ा और भी अच्छा से खेलते हुए ग्रासेस में छिप जाते हैं, और यहाँ का पोर्शन में क्लियर कर लेता हूँ, ताकि हमें लास्ट में कोई ग्रासेस में छिप के आके नहीं मार दे। तो आप लोग कोल्ड से यही कर सकते हैं जब लास्ट में। तो ठीक है गाइज, इधर एक सैली है जिसे मैं डैमेज देने की कोशिश करूँगा, सैली इधर ही थी, कहाँ चल गई? अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, हमें अच्छा खासा पुशिंग हो गया आज, 3800 लाइव प्लस 2 ट्रॉफी मिला, 3801। तो हमारा आज का यही वीडियो था गाइज, और लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।